नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। हाल ही में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज खत्म हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने करीब 24 साल के बाद में पाकिस्तान का दौरा किया है। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा किया, तो इसी दौरान T20 वनडे और टेस्ट सीरीज खेली। टेस्ट सीरीज और T20 सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा जमाया, तो वहीं पाकिस्तान ने वनडे सीरीज जीती। अब इससे संबंधित पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अध्यक्ष और चेयरमैन रमीज राजा का बयान आया है। चेयरमैन रमीज राजा ने कहा है कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बेहद फायदा हुआ है। इस सीरीज से पाकिस्तान क्रिकेट ने पाकिस्तानी रुपयों में 2 अरब रुपए की कमाई की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इन सभी में बड़ा गेम चेंजिंग साबित हुआ भारत को T20 वर्ल्ड कप में हराना। उन्होंने कहा कि जैसे ही पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराया, यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक गेम चेंजिंग के रूप में साबित हुआ। उन्होंने कहा कि PSL को भी इससे फायदा हुआ है, इससे कमर्शियल के रेट बढ़े हैं, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी कमाई ऑस्ट्रेलिया के टूर से हुई है, उसे हम युवा क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग, ग्राउंड स्टाफ, कोचिंग पर खर्च किएंगे। उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। बेहद कमज़ोर स्थिति में पाकिस्तान क्रिकेट है और इसके भविष्य को सुधारने के लिए तमाम कदम उठाए जाएंगे। आप क्या कुछ सोचते हैं रमीज राजा के इस बयान के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।